फोटो सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक अरेंजमेंट है दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। फोटोन गिरेंगे फोटो सेंसिटिव प्लेट पे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसको किसी सर्किट में डाल देंगे, वायर में पास करेगा तो करंट जनरेट करेगा, ये फोटो सेल है। तो इसके अंदर इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और इसके अंदर इट इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक आई। तो पहला जो टाइप का फोटो सेल है वो फोटो एमिसिव सेल है। सिंपल प्रिंसिपल है, फोटो सेंसिटिव प्लेट ली, फोटोन गिरे, इलेक्ट्रॉन उछल के गए, पॉजिटिव प्लेट रखी, पॉजिटिव ने खींच लिए, सर्किट के अंदर चले गए, करंट जनरेट हो गया। ये इसका पहला काम है, ठीक, ब्रीफ में बता रहा हूँ, आने की प्रोबेबिलिटी तो कम ही है। फोटो कंडक्टिव सेल, फोटो कंडक्टिव सेल मेक्स यूज ऑफ सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर की प्रॉपर्टी को यूज करता है सिंपल। इसके अंदर सेमी कंडक्टर लेगा, फोटोन गिरेगा। सेमी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, सेमी कंडक्टर में जैसे ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज हो जाते हैं, और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो लाइट की रेडिएशन से उसमें उतना ही करंट ज़्यादा होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है सेमी कंडक्टर की एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर। ये प्रिंसिपल को यूज़ करके सेल बनाया गया। तीसरा जो है वो फोटोवोल्टिक सेल, ये यूज़ करता है दो डिफरेंट लेयर ऑफ मटीरियल यूज़ करता है और एज अ रिजल्ट ऑफ इरेडिएशन जिसके अंदर दिस सेल सप्लाईज करंट विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल बैटरी एंड इज यूज इन एक्सपोजर मैटर एंड गुड कैमराज एंड सोलर बैटरीज। कुछ नहीं है, वो कह रहा है कि लेयर्स की फॉर्म में कुछ इसमें मटीरियल यूज़ करते हैं, गेरते इस पर अगेन रेडिएशन ही हैं, फिर वो लेयर्स जो हैं वो फिर से फोटो सेंसिटिव मटीरियल की बनी होती हैं और कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और अगेन मूव करता है। तो ऐसा कुछ नई चीज़ नहीं है, तीनों का प्रिंसिपल फोटोन गिरना ही है और अंदर सिर्फ मटेरियल यूज़ करते जा रहे हैं फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर या किसी लेयर्स की फॉर्म में, तो इसकी कंस्ट्रक्शन भी नहीं गिवन, तो इसलिए इसे आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम रहती है, आती नहीं है सीबीएसई में। वैसे बता दिया, असली चीज़ ये आती है जो हम अब डिस्कस करेंगे।